दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। भारतीय जनता पार्टी में लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। अभी पिछले ही दिनों प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने अपनी जो टीम है, अपनी सेना तैयार कर ली है। 10 जिलाध्यक्ष बदले गए हैं और मान लीजिए कि प्रदेश कार्यकारिणी में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है और अब निगाह उन पदों पर है जिन पर नई नियुक्तियाँ होनी हैं। और आप माने तो हरियाणा के अंदर एक सबसे जो हॉट इशू बना हुआ है वो युवा राजनीति का है कि हरियाणा भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिसके प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा हैं, या राहुल राणा अब सेवानिवृत्त हो सकते हैं क्योंकि उनको मेन बॉडी में भी लिया गया है। हरियाणा भारतीय जनता युवा मोर्चा का जल्दी ही नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होना है और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भागदौड़ भी शुरू हो गई है। और आपसे मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टेड बात भी है। और आप ये मान लीजिए कि दक्षिण हरियाणा के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा की नियुक्ति होनी है, वहाँ से एक अच्छी खबर भी आने वाली है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं राहुल राणा, वो उत्तर हरियाणा से संपर्क करते हैं। अब बात चल पड़ी है कि दक्षिण हरियाणा के किसी युवा नेता को भारतीय जनता युवा मोर्चा की कमान दी जा सकती है। राहुल राणा से पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे मनीष यादव, और अब चर्चा ये है क्योंकि प्रदेश का महामंत्री भी किसी यादव समाज से नहीं लिया गया, तो चर्चा ये है कि किसी यदुवंशी को, यानी कि अहिरवाल से, भारतीय जनता युवा मोर्चा का नया प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपसे एक इंटरेस्टेड बात भी करूंगा, तो उस इंटरेस्टेड या जो जिसको आप सुनना चाहेंगे, एक पुरानी कहावत है, चाहे वो राजनीति हो या समाज नीति हो, कहा जाता है कि गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी बन गए। मेरा यहाँ वो तात्पर्य नहीं है, लेकिन जिस बारे में आपसे मैं बात करूँगा वो दो पलवल जिले के युवा नेता हैं। दोनों युवा नेता भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंदर हैं और उनके अंदर एक नेता अभी हाल तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के पलवल के जिले के अध्यक्ष हैं और दूसरे नेता भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंदर राष्ट्रीय सचिव रहे हैं और इसके साथ साथ सह प्रभारी रहे हैं, वो मुंबई के। समझ रहे होंगे मैं बात कर रहा हूँ पलवल के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवांशु गौड़ और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंदर राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम की। पिछला जब संगठन बना था भारतीय जनता युवा मोर्चा का, तो गौरव गौतम सिफारिश किया करते थे देवांशु गौड़ की, और गौरव गौतम ने सिफारिश की थी देवांशु गौड़ को भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाने की। लेकिन मैंने कहा है ना कि राजनीति के अंदर, जो मैंने आपको भी एक उक्ति बताई थी, और आप इससे भी अगर आगे चलें तो राजनीति के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक अलग प्लेटफॉर्म बने, उसका एक अलग मुकाम हो। और राजनीति एक ऐसी धारा है जिसके कि दो पार्ट अलग अलग चलते हुए भी, जिस प्रकार की समुद्र के, नदी के, या कहते हैं कि ट्रेन के पहिए कभी इकट्ठे नहीं होते, कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है कि एक ही जगह पर, एक ही धुर में बहते हुए, एक ही धार में बहते हुए भी, क्योंकि जब अपने अपने लिए आदमी लड़ता है और उसकी इच्छा होती है कि मेरे पास भी कोई अपना प्लेटफॉर्म हो, तो वो चल चुका है इस समय कुछ पलवल जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के दो नेताओं के अंदर। और दोनों इस समय पूरी कश्मकश कर रहे हैं, दोनों पूरी इस तरफ समय भागदौड़ कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष पद उनको मिल जाए। एक तरफ गौरव गौतम है और एक तरफ देवांशु गौड़ हैं। और मान लीजिए कि इन दोनों की दावेदारी के अंदर दोनों युवा नेताओं के जो नज़दीकी लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर खूब छींटाकशी भी कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में खूब जो बातें कही जाती हैं राजनीति के अंदर, जब आदमी समानांतर दौड़ दौड़ता है तो उसके अंदर जो बातें कही जाती हैं वो भी चल रही हैं। और अपना पद पाने के लिए, यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, दोनों युवा नेता अपनी पूरी पैरोकारी कर रहे हैं। एक नेता ऐसे हैं कि जिनके साथ पहले संगठन का आशीर्वाद था, लेकिन शायद जिले के संगठन का आशीर्वाद उनसे कुछ कम हुआ तो फिर वो सीधे मुख्यमंत्री और केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं फरीदाबाद जिले से कृष्णपाल गुर्जर, और इसके साथ 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 लगते सूबों के नेताओं से भी सिफारिश करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ गौरव गौतम है। गौरव गौतम भी राजनीति के अंदर, मान लीजिए जब वो शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो भाजपा की राजनीति की मुख्य धारा में आए थे, तो उन्होंने जहाँ से शुरुआत की थी वो एक बड़े मुकाम से शुरुआत हुई थी, क्योंकि वो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन के बहुत नज़दीक हुआ करते थे
और डॉक्टर अनिल जैन के नज़दीक होते हुए वो भाजपा आलाकमान के अंदर भी बड़े बड़े नेताओं तक अपनी पहुंच बनाने में, अपनी पकड़ बनाने में या फिर उनकी चौखट पर दस्तक देने में कामयाब रहे थे। और अब क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद की लड़ाई के लिए वो दोनों नेता जिनके लिए कि कभी एक दूसरे के बगलगीर हुआ करते थे, कभी एक दूसरे के हमराह हुआ करते थे, कभी एक दूसरे की सिफारिश किया करते थे, वो अब भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई में आमने सामने हैं। दोनों नेता, दोनों युवा नेता अपनी तरफ से पूरी गोटियां बिठा रहे हैं। दोनों युवा नेता अपनी तरफ से जहां जहां दस्तक देनी चाहिए, जिस जिस चौखट पर जाना चाहिए वहां जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही बड़ी बात यह है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि दक्षिण हरियाणा को मिल सकता है भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद, और उसके लिए दोनों युवा नेता अपनी भागदौड़ किए हुए हैं। और जो मैंने आपको बताया कि राजनीति के अंदर एक मुकाम पाने के लिए जब कोई व्यक्ति कोई मुकाम पाना चाहता है तो साथ वाले यानी कि जो उसकी दौड़ में शामिल हुआ करता है उस प्रकार हर प्रकार की छींटाकशी भी की जाती है, उसके बारे में उसकी कमजोरियां और खूबियां भी ढूंढी जाती हैं, तो वो सब कुछ भी चल रहा है। वैसे तो बहुत जल्दी उम्मीद है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित हो जाएगा। संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि मकर संक्रांति के बाद और जनवरी के महीने में कभी भी इस पद पर नियुक्ति हो सकती है भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर। और इस पर निगाहें सभी की हैं और खासकर दक्षिण हरियाणा के लोगों की निगाह जरूरी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उम्मीद कुछ ऐसी बन चुकी है कि ये पद दक्षिण हरियाणा में आ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि जिले के दोनों ब्राह्मण नेताओं में से जो दो युवा ब्राह्मण नेता हैं उनमें से कोई नेता इस पद को लेने में कामयाब हो जाएगा, यानी कि युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनने में कामयाब हो जाएगा, और या फिर जो मैंने आपसे कहा था कि यदुवंशी राजनीति भी इसके अंदर प्रभावी हो सकती है, कोई यादव समाज से भी हो सकता है। इसके साथ साथ आप क्या मानते हैं कि जो राजनीति के अंदर जब पद पाने की दौड़ में नेता शामिल होते हैं तो उसके अंदर क्या पुराने रिश्ते नाते वाकई भूल जाया करते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना।